हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि WPS इन कंपैरिजन टू एक्सेल मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एक्सेल अगर चलाते, तो अगर मान लीजिए कोई भी इस तरह का फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में वी लुकअप, तो जैसे मान लीजिए आपको वी लुकअप लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे रोल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो भी रोल नंबर होगा उसी के बेस पे हम खोजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करेगा। अब ये रोल नंबर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हमने रोल नंबर ले लिया और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट या जो भी एवरेज या टोटल जो भी चाहिए हो वो भी यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी रोल नंबर यहाँ पे एंटर करें उसके हिसाब से टोटल यहाँ आ जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। जरा ध्यान से इसको समझिएगा, वी लुकअप लगा दिया। अब वी लुकअप लगा दिया, यहाँ पर टैब अलाउ है, यहाँ पे आप टैब प्रेस कर सकते हैं, जबकि ओपन ऑफिस में आपने देखा था कि टैब अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन ओपन ऑफिस से भी ज्यादा बेटर ये आपको सारी चीजें देता है। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है, सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन देखिए डिफरेंस कहाँ है इसमें, ठीक है। फिर पूरा का पूरा टेबल एरे ये सेलेक्ट करना था, तो ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट हो ही जाता है। F4 दबा के फ्रिज करना था, F4 दबा के ओपन ऑफिस में फ्रिज नहीं होगा या लिब्रा ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉलम नंबर या रो नंबर देने की जरूरत ही नहीं, आपको जो चाहिए वो लीजिए यहाँ से, देख रहे हैं ये साइड में देखिए ये जो आ रहा है, यहाँ पर सारी चीजें आ रही है, एक एक चीज आ रही है, आपको टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ सीधा सीधा आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्सेल से ज्यादा मुझे लगता है कि बेटर ये चीज देता है। और यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रो नंबर अपने आप आ जाएगा, जैसे 9, अब कहने की जरूरत नहीं, आपको काउंट करके लिखना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप आ जाएगा, और अपने आप आ जाएगा इसका मतलब कि आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी रोल नंबर फिल करेंगे उन्हीं का यहाँ पे टोटल आएगा। जैसे मान लीजिए रोल नंबर 8 का देखना था, तो 8 किया तो यहाँ पे 319, अब चेक करते हैं 8 का 319 आया भी है कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर यहाँ पे 8 का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये देखिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये रोल नंबर 8 का पूरा डिटेल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से रोल नंबर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 कर देते हैं, तो 1 का तो आपको नजर आ ही रहा है, ऊपर सबसे ऊपर ही दिया गया है 1 का, तो ये 1 का पूरा डिटेल है। तो इस तरीके से जो भी आपको चाहिए हो वो आसानी के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉलम नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो वी लुकअप हुआ। अगर बात करें एच लुकअप की, तो एच लुकअप यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एच लुकअप हो गया, ये एच लुकअप टैप कर दिया हमने, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको टोटल ढूंढना है, ठीक है, एच लुकअप ऐसे ही लगता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पे कि एच लुकअप कैसे लगाना, और ये पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है, कर लिया, F4 दबा के फ्रिज करना है, कॉमा देना है, और यहाँ पे रो नंबर की बात आएगी, ठीक है, तो रो नंबर कौन सा चाहिए, 8 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, और यहाँ पर आपको रो नंबर लेना होगा, ठीक है, तो रो नंबर, अब यहाँ पर देखिए रो नंबर, यहाँ पे रो नंबर नहीं शो कर रहा है जैसे कॉलम नंबर शो कर रहा था। देखिए यहाँ पे रेंज लुकअप, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें वो शो नहीं हो रहा है रो नंबर, जैसे कि कॉलम नंबर शो हो रहा था वैसे रो नंबर नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है रो नंबर नहीं शो हो रहा है, तो आपको रो नंबर लिखना पड़ेगा कि रो नंबर 3, 4, 5, यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, तो बिल्कुल एक्सेल के जैसा ही 5 था ना, तो अब 5 यहाँ पे देखिए क्या दिया, 5 दिया, तो यहाँ पे देखिए जरा ये 1 हो जाएगा रो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5, तो 5 तो सुमित का है, और सुमित का टोटल क्या बना हुआ है आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 332, यही है ना, तो 332 टोटल है कि नहीं सुमित का, देखिए यहाँ पे सुमित का टोटल कितना है 332 है, और 332 आया हुआ भी है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका रो नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपको थोड़ा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकता है इन कंपैरिजन टू एक्सेल, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।